एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री की नामी ग्रामी पर्सनालिटी सरदार अयाज खान साहब, जो के मार्केटिंग एंड सेल्स डायरेक्टर हैं सिल्वर सिटी में। अच्छा, आज की गुफ्तगू हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सिल्वर सिटी में अब तक की जो डेवलपमेंट अपडेट्स हैं, इसके अलावा सिल्वर सिटी के सराउंडिंग्स में जो न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उस हवाले से भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलने लगी है। तो आपने हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक रखना है ताकि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की वो एक बार सोचेंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम इस वक्त मौजूद हैं सिल्वर सिटी की साइट पे और आइकॉनिक पार्क में बैठे हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ सराउंडिंग्स में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है जो बहुत ही खूबसूरत बनाती है किसी भी पार्क को। तो मुझे बताइएगा कि आइकॉनिक पार्क अब अपने इख्तिताम के आखिरी मराहिल में है, इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या प्लान है आपके पास, और इसके अलावा जो फाउंटेन है इसे कब तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूअर्स को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। इस टाइम हम लोग आइकॉनिक पार्क में, जैसे कि आपने बताया कि मौजूद हैं, ये आइकॉनिक पार्क सिल्वर सिटी का सबसे बड़ा पार्क है जो तकरीबन 95% इस टाइम कम्प्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाउंटेन लगना बाकी है, क्योंकि मौसम के हालात ऐसे थे कि जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है, ये कम्प्लीशन के मराइल में है। इसमें जैसे आपने पूछा कि मज़ीद हमने क्या करना है, मज़ीद हमारा ये प्लान है कि हम इसी आइकॉनिक पार्क में या इसके साथ को फूड स्ट्रीट भी दें ताकि लोगों को इसमें आसानी हो। अभी रिसेंटली हमारी मैनेजमेंट इकबाल साहब उस्मान साहब से मेरी डिस्कशन ये हुई थी। इकबाल साहब ने एक आइडिया दिया था कि हम जो साइडों पे हमारी सर्विस एरिया है वहाँ पे हम लोग कोई डांसिंग फाउंटेन टाइप की चीज़ लेके आए जो आजकल अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है लोगों के लिए। जी, और लोग जो है वो आके एंजॉय करना शुरू। जी, लोग ऑलरेडी लोग यहाँ पे, चूंकि इस एरिया में सबसे खूबसूरत इस टाइम जो डेवलपमेंट है, सबसे खूबसूरत पार्क हमारे पास मौजूद है, बेशक इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो सर, इसी से मैं अब अगला सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने लास्ट इंटरव्यू में 16th Avenue और 17th Avenue की काफ़ी बातचीत की थी ना, तो इसी हवाले से आप हमारी ऑडियंस को मज़ीद रहनुमाई दें, क्योंकि हमें बहुत कॉमेंट्स मिले थे कि वो कैसे असरअंदाज करेगा यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपने लास्ट जो हमारा ऑफिस में मीटिंग थी रियल्टर्स की, उसमें मैंने ये बताया था कि 16th Avenue, 17th Avenue और प्लस हमारा अपना सिल्वर एवेन्यू, ये तीन ऐसे रोड्स हैं जिनकी वजह से हमारे सिल्वर सिटी को इतना फ़ायदा होना है कि जिसकी शायद हम सोच भी नहीं सकते। जो कश्मीर हाईवे है वहाँ से हमारा फासला 4 से 5 मिनट का रह जाएगा, फिर पूरे पिंडी इस्लामाबाद के लोग यहाँ पे, उनको आना इंतहाई आसान होगा। तो जो हमने बात की, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, हमने अपने लोगों तक पहुँचाई, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कुछ ही अरसे के बाद आपने देखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने H16 में जो कश्मीर हाईवे के साथ है, H16 में जिन्ना कम्प्लेक्स टावर का जो इफ्ताह किया है, उसकी वजह से 16th Avenue पे काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपके साथ ही ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, सिल्वर सिटी की खास बात ये भी देखी गई है, जहाँ पे कोई नया रूट निकलता है, रास्ता निकलता है, वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप अभी जिन्ना कॉम्प्लेक्स की बात करें ना, तो इस पर मज़ीद रहनुमाई कीजिएगा कि क्या लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। दो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी खुशकिस्मती है और हमारी जो मैनेजमेंट है उनकी ये नेक नीति है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आज सिल्वर सिटी को इस पूरे इलाके में ये अहमियत दी है। जो 16th Avenue बन रहा है, वहाँ 16th Avenue सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं हुई, बाकायदा काम शुरू हो चुका है। जैसे कि आप, मेरा स्टाफ पहले गया भी था साइड पर, फुटेज मौजूद है हमारी, वहाँ पर जिन्ना कम्प्लेक्स जो है उसमें मशीनरी आ चुकी है, बोर्ड लग चुके हैं, इफ्ताह हो चुका है, 16th Avenue का काम अर्थवर्क शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सिल्वर एवेन्यू हम खुद बना रहे हैं जो ठलियाँ से यहाँ तक आएगा, उससे भी ज़्यादा अहमियत अगर है तो वो 16th Avenue 17th Avenue की है। 16th Avenue आएगा H16 को क्रॉस करता हुआ, I16 को टच करेगा, और I16 से आगे जो रोड्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, काफ़ी बड़े रोड्स हैं जो हमारे हमें आकर टच करते हैं। हमने एक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ये वाला गेट है इसको हम बाहर निकालें, आप कंट्री से होते हुए जाके I16 को टच कर ले। ऑलरेडी थोड़ा सा तकरीबन फरलांग आगे जाएँ तो गेट बना हुआ आप कंट्री का, और वो सीधा रोड जाके I16 को टच करते हैं। तो जब ये रोड बन जाता है 16th Avenue, तो आपको कश्मीर हाईवे से आप जो आगे वाली सोसाइटीज़ हैं, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, वहाँ पे आपको फिर भी टाइम लगेगा, उससे पहले आप यहाँ पहुँच जाएंगे सिल्वर सिटी में। ठीक है, तो ये इसका फ़र्क पड़ा है। सर, जब रूट्स की बात हो रही है तो हम यहाँ बात कर लेते हैं
सिल्वर एवेन्यू के बारे में ना, जो ठलिया इंटरचेंज से कनेक्ट करेगा यहाँ सिल्वर सिटी में। अच्छा, इससे सिल्वर सिटी में रहने वालों को तो फ़ायदा होगा डेफिनेटली, जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा? जी डेफिनेटली, देखिए अभी ये लोग अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो उनको घूम के जाना पड़ता है। जब अपना रोड होगा, चूँकि जो गिरजा रोड है ये बहुत छोटा रोड है, हम सिल्वर एवेन्यू काफ़ी बड़ा बना रहे हैं, तो उसकी वजह से इस पूरे इलाके को जितनी सोसाइटीज हमारे साथ टच होती हैं, जो ये आबादियाँ टच होती हैं, इनके लिए इतनी आसानी होगी कि जब ये एयरपोर्ट जाना चाहेंगे तो ये 4 से 5 मिनट में यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी इशारे के, रास्ते में इशारा कोई नहीं होगा। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह सर। अच्छा, अब जो है ना मैनेजमेंट की बात हो रही थी जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई भी सोसाइटी तब कामयाब होती है जब मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्टली के साथ काम करती है। तो मैनेजमेंट ने ना सिर्फ टाइमली डिलीवर किया है बल्कि क्वालिटी पे भी किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी रिसेंटली मैनेजमेंट ने पोजीशंस भी हैंड ओवर किए हैं, तो इस हवाले से आप हमारे जो ऑडियंस देख रही है जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई हैं, जो कि मेरा ख्याल है बाकी सोसाइटीज़ की तरफ जाते हैं, जिन्हें डीलर्स खींच खींच के ले जाते हैं, फिर उन्हें नुकसान होता है क्योंकि पोजीशन तो उनको टाइम पे मिलता नहीं है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? हमारी मैनेजमेंट का एक शुरू से ये फैसला था कि हमने फाइल सेल नहीं करनी, हमने प्लाट सेल करने, तो हमने सबसे पहले जो अपना बुकिंग करने से पहले अपना NOC लिया। आपको पता है कि ये जो इस एरिया में सबसे बड़ा गेम चेंजर जो था वो इससे पहले रिंग रोड था, रिंग रोड पे भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है, उसके जो पुल हैं उनका काम बकाया रह गया, उसके बाद उसकी असफाल्ट शुरू हो जाएगी और ये रोड थ्रू हो जाएगी यहाँ से लेके रवात तक, रवात से लेकर ठलियाँ तक। ये मैं आपको बताऊं कि 38 किलोमीटर का रोड है जिसपे वायद एक प्रोजेक्ट है सिल्वर सिटी, जो गवर्नमेंट के तमाम इदारों से अप्रूव है। तो मैं समझता हूँ कि ये खुश नसीबी है हमारी मैनेजमेंट की, ये खुश नसीबी है हमारे मेंबर्स की। और जो लोग नए, अब चूंकि पिछले अरसे से जब से 16th एवेन्यू बना है, जब लोगों को इसकी उस बात का अंदाज़ा हुआ जो हम बार बार करते थे, इसकी लोकेशन का अंदाज़ा हुआ, तो उसके बाद बेशुमार लोग हमारे पास परचेजिंग करना शुरू हो गए। आजकल चूँकि हमारे सिल्वर सिटी में दिन को ठीक ठाक रश होता है और ट्रांसफर्स बड़े अरसे के बाद, चूँकि आपको पता है पिछले 2 साल से पाकिस्तान में रियल स्टेट का काम डाउन था, रिसेशन था, काम डाउन था, लोगों को ट्रस्ट, मिसट्रस्ट था लोगों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें देखते हुए लोगों ने हम पे ट्रस्ट करना शुरू किया और अब ठीक ठाक हमारी सेल परचेज हो रही है। हाँ, क्योंकि अब लोगों को नजर आ रहा है ना, अगर कुछ लगा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो हमें इन रिटर्न मिल भी रहा है। एक आपने क्वेश्चन किया, मैं उसको जवाब देना भूल गया, आपने कहा डेवलपमेंट का मियार, जो हमारी मैनेजमेंट है इसका अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि डेवलपमेंट का काम स्लो है। ये काम स्लो नहीं होता, चूँकि काम को हम बार बार चेक करते रहते हैं ताकि इसका जो मियार है वो आलमी मियार के मुताबिक हो, वो जब लोग यहाँ पे रहें टूट फूट का शिकार ना हो। आपको पता है लोग सोसाइटीज बना लेते हैं, जब लोग आबाद हो जाते हैं तो वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, तो अगर अच्छा काम हुआ हो तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता। आपका जो 50% से अबव काम है वो अंडर द ग्राउंड होता है। आप जैसे देख लें कि सीवरेज, ड्रेनेज, आपकी जितनी लैंड्स हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, सर्विस एरिया सारा अंडरग्राउंड है, आपका बिजली, पानी, गैस सारा अंडर चला जाता है, सिर्फ रोड ऐसी हैं या हमारे ये जो ग्रीनरी है बाहर नजर आती है, ये बिल्कुल एंड पे जाके होता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है पूरा। तो यहीं से बिकॉज हम सिल्वर सिटी में बैठे हुए हैं, एक जगह सिल्वर सिटी है, एक जगह I-15 I-16 है, देखा ये गया है कि एकदम से प्राइसेस हाई हो गए I-15 I-16 के, जबकि सिल्वर सिटी के प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है सिल्वर सिटी में उन्हें क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है अब? जी पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पहले चूंकि एंट्रेंस जो थी I-16 की, I-15 की, वो थी I-14 जो पेशावर रोड के साथ गोलड़ा मोड़ है वहाँ से हज कम्प्लेक्स और वो एरिया था, उसकी एंट्रेंस का ये इशू था कि वहाँ पे बेशुमार वर्कशॉप्स थी और इतनी अच्छी एंट्रेंस नहीं थी वो, दैट्स वाई ये रेट कम था। अब जब ये 16th एवेन्यू बनना शुरू हुआ है तो लोगों को इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि ये जो सेक्टर है इस्लामाबाद के, इनमें ऑटोमेटिकली जंप आ जाना है, इसलिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। जब एक्सेस आपके आसान हो जाए तो लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट करने की वजह से I-16 का रेट अप्रिशिएट हुआ है। I-16 का रेट अप्रिशिएट हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमें उसका फ़र्क पड़ना है। हमारे अक्सर दोस्त जो रियल्टर्स हैं, उस दिन इकबाल साहब मुझसे बात कर रहे थे कि वो जिक्र करते हैं कि लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, मैं समझता हूँ कि ये लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट लोगों ने कहा है लेकिन ये रहेगा नहीं, वो लो कास्ट ये इसकी इतनी इंशाल्लाह ताला अप्रिसिएशन हो जानी है। जो हमारे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की मकान बनाने के लिए, वो तो मकान बना के रहेंगे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट पर्पस से, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी उनको फ़ायदा होगा, वो यहाँ से अच्छा खासा फ़ायदा लेके जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वैसे भी हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि जो लैंड की इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी नुकसान नहीं देती है, बशर्ते लैंड हो, सिर्फ फाइल हो। आजकल क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से पिछले 2-3 साल 4 साल में मशरूम की तरह सोसाइटीज निकली हैं, और ऐसा ही है कोविड बहुत के उन्होंने 3Ds दिखा के लोगों को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और एंड पे पता चला कि वो है ही नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ऐसा भी मैंने सुना है कि आपको यहाँ पे बता दिया कि ये ब्लॉक है,
जबकि लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के बाद वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ से उठा के किसी और जगह फेंक दिया। नक्शों में थी ज़मीन, उनके पास थी नहीं। एनओसी वाले मामला जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट हैं, हमारा एक एनओसी क्लियर है, दूसरा हमारा एलओपी हो चुका है, फाइनल स्टेज पे है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप देखेंगे ये भी क्लियर हो जाएगा। कुछ और भी खुशखबरियां हैं जो अभी हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी जब वो हमारी कम्प्लीशन हो जाए तो फिर हम आपको बताएँगे कि सिल्वर सिटी आगे क्या करने जा रहा है। इंशाल्लाह ताला हर माह कोई ना कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर जैसे एनओसी की बात आपने की है, सिल्वर सिटी को एनओसी मिल गया माशाल्लाह माशाल्लाह, एनओसी की इम्पॉर्टेंस पे बात करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स मैंने खुद देखे हैं, बेचारे एंड यूज़र्स जो क्लाइंट्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं लेकिन लोग उन्हें मिसगाइड करते हैं। कुछ बहुत फेमस सोसाइटीज़ हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, उनके पास एनओसी नहीं है, तो क्या वो तो देखें कितनी चल रही हैं, प्राइसेस कितने अच्छे, आपको कितना फ़ायदा हो गया, तो ऑडियंस को बताएं एनओसी का होना कितना ज़रूरी होता है। देखें एनओसी का होना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी एरिया में काम करते हैं तो उसके एरिया में जो अथॉरिटी है जो आपको अप्रूवल देती है वो एक तरह के गारंटर होते हैं। अभी हमने अगर यहाँ का हमारा एलओपी क्लियर हुआ तो हमने उसकी 50% लैंड या 40% लैंड हमने आरडीए के नाम ट्रांसफ़र की। यह आरडीए इसलिए लैंड लेता है कि कल को अगर ये डेवलपर जो है ये डेवलपमेंट ना कर सके तो आरडीए उसको खुद डेवलप करता है। ये समझें कि एक तरह के सेमी गवर्नमेंट टाइप चीज़ हो जाती है, अच्छा, कि आधी चीज़ आपकी गवर्नमेंट के नाम चली जाती है, आधी हमारे नाम चली जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी गवर्नमेंट के अदारे से अप्रूवल मिल जाती है आपको तो उसके बाद ही आपको यहाँ पर एमिनिटीज़ मिलती हैं, मतलब बिजली और गैस जो है जब तक आपके किसी भी अदारे में नहीं आएगी जब तक आप अप्रूव नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जो सोसाइटीज़ बगैर एनओसी के अपने आप को चला रही हैं वो वक्ती तो चूँकि वो चला रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, मार्केटिंग के तौर पे, लेकिन लॉन्ग रन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट एनओसी चल सकें। तो एनओसी का होना आपके लिए लाजम मलजूम है, जिस तरह की सोसाइटी के लिए आपके पास लैंड कंपल्सरी है तो ऐसे ही आपके पास एनओसी भी कंपल्सरी है, उसके बगैर इन्वेस्टमेंट जो है ना भाई, आप जो भी ये देख रहे हैं जिन्होंने एनओसी के बगैर कहीं इन्वेस्टमेंट किए ना, आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क में है। सर अब जो क्वेश्चन है ये है तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपने अनाउंसमेंट की थी कि जो लोग 80% पेमेंट क्लियर कर देंगे वो उनको हम बैलेटिंग में डाल देंगे, तो उस हवाले से लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है? जी अभी हमारा 31 अगस्त तक का टाइम था कि जो 31 अगस्त तक लोग अपनी 80% पेमेंट क्लियर कर लेंगे उनको हम बैलेटिंग में शामिल करेंगे। बैलेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे चूँकि हम लैंड परचेज़ कर रहे होते हैं, हमने आगे एक्सटेंशन करनी होती है, जिन लोगों से हमने पैसे लिए हैं उनको हमने बताना होता है कि आपके प्लाट की ये लोकेशन है, तो जो लोग 80% पेमेंट क्लियर कर लेंगे उनको हम मुख्तस करके बता देंगे कि आपका ये प्लाट है, ताकि उनको आइडिया हो कि उनके प्लाट एग्जिस्ट करता है साइड पर, नक्शे में एग्जिस्ट करता है, नंबर उनको मिल जाएगा प्लाट का, ये फ़ायदा होता है इसका। अभी मैं आपने फाइनल क्वेश्चन किया तो मैं वाइंड अप से पहले बताऊंगा लोगों को कि हमारे कैमरामैन दिखाएं कि ये सिल्वर सिटी में इस टाइम हम आइकॉनिक पार में बैठे हैं और इंतहाई खूबसूरत शाम है। आज अल्लाह का करम है कि बारिश भी नहीं हुई और मुझे बड़ा इस टाइम मैं महसूस हो रहा हूँ इस शाम से और इस मौसम से। ओके सर, ये तो आपने वो बात कर दी, पहले आओ पहले पाओ जी। तो आप 80% पेमेंट क्लियर करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, बैलेटिंग में जो है वो आपका प्लॉट आ जाएगा और फिर एज पॉसिबल जो है आपको पोजीशन भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला, उन ऑडियंस के लिए निकाला जो कि शायद सिल्वर सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कब से सोच रहे होंगे लेकिन लोगों की बातों में आने के बावजूद थोड़ा गैप आ गया होगा उनसे। तो अब हम अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का ये जितना हमने टाइम गुजारा है सिल्वर सिटी में सर के साथ ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी न्यू अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक मौसूल हो जाए। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।